पॉडकास्ट रिपोर्ट में हम आप सबके बीच बात करना चाहेंगे यहाँ पर आप सबके बीच सुष्मिता सेन के बारे में। सुष्मिता सेन वो एक्ट्रेस है जो कि अपनी ज़िंदगी के हर राज से लोगों को बखूबी वाकिफ कराती है और इंस्पायर भी लोगों को करती है। सुष्मिता सेन के बारे में एक सच है जो लोग नहीं जानते हैं, और वो ये सच है कि 2 से 3 बार शादी होते होते सुष्मिता की शादी टल गई, और ऐसा करते हुए उन्हें काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हुई, लेकिन उन्होंने अपना कदम पीछे नहीं रखा। हर मामले में सुष्मिता ने खुद को स्ट्रॉन्ग किया है। आज यहाँ आपको बता दें, सुष्मिता सेन 2 बार शादी के बंधन में बंधने वाली थी, लेकिन किसी न किसी वजह से पीछे हटी। आज उनकी 2 बेटियां हैं, रिमी और अनिशा, जिनके साथ वो अपनी जिंदगी सिंगल मदर बनकर गुजार रही है। दोनों को एडॉप्ट उन्होंने 90s में किया था, और सुष्मिता की ये 2 बेटियां जो है उनकी जिंदगी बन चुकी है। रोमन शॉल के साथ रिसेंटली ब्रेकअप के बाद सुष्मिता उन्हें अपना दोस्त बताती नजर आई, लेकिन क्या आपको मालूम है कि सिमी ग्रेवाल के साथ सुष्मिता का एक इंटरव्यू वायरल हुआ है। तमाम एक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, मेकर्स के साथ उनके नाम जुड़ चुके हैं बिजनेसमैन के साथ। कई अफेयर रहने के बाद लगभग 10 से 11 बार प्यार में सुष्मिता को धोखा ही मिला। एक बार तो एक शादी के बंधन में बंधने वाली थी वो। मैं मुकेश भट्ट के साथ भी सुष्मिता का नाम जुड़ चुका है, यह आपने सुना ही होगा। सुष्मिता सेन कई एक्टर्स के साथ भी रिश्ते में रह चुकी है। सिमी ग्रेवाल को उन्होंने कहा था, एक बार वो डेट कर रही थी एक बिजनेसमैन को। उनके जीवन में ऐसे अद्भुत लोगों में वो व्यक्ति भी थे जिनके वो आभारी है कि आगे बढ़ने के लिए उन्होंने सही समय पर सुष्मिता को छोड़ दिया। सुष्मिता को छोड़ने वाले उन सभी लोगों का वो शुक्रगुजार है कि आज वो अपनी ज़िंदगी में खुश है, क्योंकि जीवन में शायद वो उनके साथ खुश नहीं रहती, क्योंकि प्यार और ईमानदारी रिश्ते में ज़रूरी होती है। सुष्मिता ने कहा, वो सभी ऐसे अद्भुत लोग हैं, अद्भुत पुरुष हैं, इसके लिए वो मेरे लिए गलत थे, वो उनके लायक नहीं थे। 2-3 बार शादी के लिए वो तैयार हुई, लेकिन किसी न किसी वजह से शादी उनकी टलती रही। उनका कहना था कि मैं बहुत भाग्यशाली रही हूँ, एक समय था जब मैं गलती कर सकती थी, लेकिन कहीं कुछ गलत हुआ। किसी अनिश्चित शब्दों में कहा गया है ना कि ये गलत है, ये मेरे लिए ठीक नहीं होगा। अंत में जो गरिमा बची उसी के साथ वो जाने में कामयाब रही। खुद को सेलिब्रेट करने के लिए आपको सबसे आगे आना पड़ेगा, किसी और का उम्मीद नहीं करना पड़ेगा, ये सुष्मिता सेन का कहना था। लोग सोच रहे थे रोमन से उनकी शादी हो जाएगी, लेकिन शादी नहीं हुई। रोमन उनसे उम्र में काफ़ी छोटे थे, और उनके बीच का प्यार करवाहटों में बदल रहा था। रिश्ते में प्यार की कमी हो जाना उन्हें तोड़ रहा था, इसलिए इस रिश्ते को उन्होंने तोड़ा शादी ना करने का। जीवन भर अब उन्होंने फैसला लिया है, और अकेलेपन के दर्द को अपनी जिंदगी वो बना चुकी है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से तृप्ति की रिपोर्ट।